हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज मैं आपको हमारी बावड़ी पर ले आया हूँ। बावड़ी पर दिखा रहा हूँ खेतों में क्या क्या लगे हुए हैं। यह मेरे पीछे सोयाबीन लगी हुई। सोयाबीन में अभी पानी की आवश्यकता है, पानी थोड़ी कमी हो रही है। अभी मैं आपको नींबू और मक्का भी दिखाऊंगा। मक्का के भुट्टे ये पीछे देख सकते हो आप। मक्का 10-15 दिन में इसके भुट्टे लगने लगे हैं। हेलो दोस्तों, देखिए मेरे पीछे मक्का लगी हुई। इस मक्का पे 10-15 दिन में भुट्टे लगने लगे हैं। फिर हम खाने के लिए मक्का भुट्टे सेक कर खाएंगे। दोस्तों ये देखिए, ये नींबू का पेड़, इस पर बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नींबू। ये थोड़े दिनों में खाने के लिए पक जाएंगे नींबू, और हम शिकंजी या इनका रस निकाल कर पी सकते हैं और सब्जी में भी डाल सकते हैं, दाल में। मैं आपको बताऊंगा कि यह नींबू का पेड़ कैसे तैयार किया मैंने, कौन कौन सी खाद डाली और कितने पानी की आवश्यकता होती है, कौन सी खाद चाहिए इसमें अच्छे नींबू प्राप्त करने के लिए, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। यह सभी बताऊंगा अगले वीडियो में, इसलिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। यह वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों। Falling stars, but still I see you, sweet escape.